गाइज कम टू बैक माई चैनल किंग जोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फिश एनाटॉमी। तो एनाटॉमी जो है ये क्या चीज़ है कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं उनकी स्टडी को हम कहते हैं एनाटॉमी। तो हम पढ़ेंगे फिश एनाटॉमी मीन्स कि फिश की बॉडी के जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड होप वेल के ये सारे के सारे हम एक ही वीडियो में कवर कर सकें। अगर ना हो सके तो नेक्स्ट हम 2 या 3 वीडियोस में इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो फर्स्ट अभी जो है हम पढ़ेंगे स्कल, उसके बाद हम पढ़ेंगे बैकबोन एंड देन हम पढ़ेंगे स्पाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे स्कल को। स्कल आप ये कह सकते हो कि स्कल वो प्रोटेक्टिव केज है जिसके अंदर ब्रेन जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, हम ब्रेन को जो है ना उसके अंदर सेव करके रखते हैं। जैसे कि देखें अब ये इस तरह से मैं बना रही हूँ ना स्कल, तो ये हम फिश की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फिश की स्कल है, तो उसके अंदर जितना भी यहाँ पे पार्ट होगा, जितनी भी यहाँ पे चीज़ें होंगी, ठीक है, उस सारे को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये ब्रेन है। ठीक है, और ये स्कल है पूरी की पूरी, और इसने इसको क्या किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो ये हमारे पास आ जाती है स्कल जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। एंड जो मोस्टली फिशेस हैं उनका कुछ का बोनी स्कल होता है, कुछ का कार्टिलेजिनस होता है। तो अभी हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि किसका बोनी है किसका कार्टिलेजिनस है। तो सबसे पहले हम लैम्प्रे का स्कल देखेंगे। लैम्प्रे सबसे प्रिमिटिव मानी जाती है, तो इसका स्कल भी सबसे प्रिमिटिव होता है, मीन्स कि जो सबसे पहली फिशेस में। एंड स्कल के अंदर ये जो लैम्प्रे की अगर स्कल बात की जाए ना, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या था, उसके अंदर ब्रेन था। ठीक है, कुछ सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो मौजूद थे, और उनके सेंस करने वाले कुछ कैप्सूल्स मौजूद थे, जैसे कि स्मेल, टेस्ट, साइट, हियरिंग। ठीक है, बैलेंस वगैरह मेंटेन करने के लिए जो सेंसेस थे। ठीक है, जो उनको सेंस करने वाले हम ये कह सकते हैं आ जाते हैं न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, वो सारे उसके अंदर मौजूद थे। लेकिन जो है स्कल हैग फिश की, तो ये जो था ये थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि इसके अंदर ना मतलब इधर कार्टिलेजनस जो है ना इस तरह से रिंग्स जो हैं वो मौजूद थे। ठीक है, यूँ इस तरह से ना रिंग्स जो थे वो मौजूद हुए थे। तो इस तरह से ये थोड़ा सा जो है ना ये उससे डिफरेंट है। बाकी हम बात करेंगे शार्क की, तो शार्क जो है उसका स्कल जो है वो किस तरह से होता है। अगर देखा तो ये जो है ना ये वाला स्कल जो है, ठीक है, ये ओवरऑल मतलब हम ले लेते हैं एज अ मॉडल ले लेते हैं। ठीक है, तमाम फिशेस का। लेकिन अब हर जो फिश है उसका स्कल डिफरेंट है, उसमें कुछ कुछ चीज़ें उनके अंदर की जो बोन्स होती हैं ना, ठीक है, वो डिफरेंट होती हैं। इस वजह से जो सबका हम स्कल है हमें डिफरेंट डिफरेंट जो है ना पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि लैम्प्रे का देखा उसमें जस्ट सेंस ऑर्गन्स वगैरह हैं, लेकिन जो हैग फिश है इसके अंदर कार्टिलेजनस जो है ना वो रिंग्स आ गए हैं, मतलब इन दोनों में डिफरेंस आ गया है। ये एक बास्केट सी है जिसके अंदर पूरा ब्रेन जो है ना वो स्टोर है। जिस तरह यूँ बास्केट होती है ना, उसके अंदर यूँ इस तरह से ब्रेन जो है ना पूरा इंटरनल साइड पर वो स्टोर है। तो अभी जो है हम पढ़ेंगे शार्क का। तो शार्क जो होती है वो कार्टिलेजनस है, तो इट्स मीन कि उसका जो स्कल होगा वो भी क्या होगा, वो भी कार्टिलेजनस होगा। लेकिन उसका अब देखें शार्क बड़ी है, तो उसका जो स्कल है उसमें भी काफ़ी सारे पार्ट्स वगैरह जो है ना वो यहाँ पे होंगे। जैसे कि देखें आप शार्क है, इसको हम कहते हैं एलेसमोब्रैंक। तो इसका जो स्कल है अब उसमें क्या है कि उसमें कुछ विजरल जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं ना, विजरल जो चीज़ें होती हैं वो भी आ जाती हैं। विजरल हम किसको कहते हैं, जो एब्डोमेन होता है ना, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं विजरल। अब हेड जो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से, फिर ये विजरल के साथ कनेक्ट होता है और फिर इस तरह से जो है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी जो विजरल आर्चेस होंगी ना वो भी इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होंगी। बेसिकली तो यहाँ पे क्या होगा, एक क्रेनियम होगा। क्रेनियम हम कहते हैं बोन्स को कहते हैं, बोन्स के कलेक्शन को कहते हैं। ठीक है, तो क्रेनियम के साथ क्या होगा, कुछ ना कुछ विजरल जो है ना चीज़ें जो है वो भी इन्वॉल्व होंगी इसके अंदर, तो वो भी स्कल के अंदर जो है ना वो आ रही होंगी। एंड अभी हम ये देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ें विजरल जो वहाँ पे आ रही है, तो वो है आर्चेस। आर्चेस जो है ना वो इस तरह से, ये देखें अगर ये शार्क का मुंह है तो ये जो है ना यहाँ पे इसकी टोटल 8 आर्चेस जो है ना वो यहाँ पे आ रही हैं। उनमें से जो 4 होंगी ना वो किधर आ रही होंगी, वो स्कल के अंदर आएंगी। तो उसमें से अगर हम देखते हैं जो फर्स्ट वाली है वो तो लॉस हो चुकी है, वो इतनी हमें नज़र नहीं आएगी, सब मर्ज हुई होगी, इतनी वो ज़्यादा नज़र नहीं आ रही होगी।
देखो जो सेकंड है वो अपर जॉ एंड लोअर जॉ बना रही है, जो थर्ड है वो सपोर्ट कर रही है टंग को, और जो फोर्थ है वो भी सब मर्ज है लेकिन आगे गिल्स आर्चेस के साथ अटैच है, गिल्स आर्चेस जो है ना वो बना रही है रिस्पेक्ट। देखें कि जब हम बात करते हैं स्कल की, तो स्कल में उसकी आइज भी आ जाती हैं, उसकी ईयर्स भी आएंगे, बाकी सेंस ऑर्गन भी आएंगे, उसका माउथ भी आ रहा होगा, साथ में उसकी टंग वगैरह और उसका जो है हम कह सकते हैं थोड़ी सी आर्चेस जो है वो भी इन्वॉल्व होंगी, उसका अपर जा लोअर जा ये सारी चीज़ें आ रही होंगी। तो शार्क बहुत बड़ी होती है, तो इस वजह से उसका स्कल भी बहुत बड़ा होता है, दैट्स वाई कि उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना ये इन्वॉल्व हैं। एंड उसके बाद हम देखेंगे बोनी स्कल जो है, बोनी स्कल में ये मतलब काफ़ी कम्प्लेक्स होती है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और ये आप समझ लो कि फुल डिवेल्प कर जो है ना एक तरह के ब्रेन है और डिवेल्प तरह की जो है ना स्कल है। अब इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक जो है वो हमारे पास आती है न्यूरोक्रेनियम, दूसरी जो है वो आती है ब्रेन क्यूक्रेनियम। अब जो न्यूरोक्रेनियम है इसके नाम से ही लग रहा है कि इसमें न्यूरॉन्स होंगे, सेंस ऑर्गन वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद होंगी, लेकिन जो ब्रेंकियो है इसमें जो जॉज वगैरह होंगे ना, ठीक है ये जॉज वगैरह जो आ जाते हैं, ठीक है मैक्सिली आ जाती है, ये बोन्स जो है ठीक है, एंड कुछ हद तक जो है ना उसके अंदर आर्चेस जो है ना वो भी आ रही होंगी, तो ये आ जाता है सारा ब्रेंकियोक्रेनियम जो है ना उसके अंदर। अभी हम न्यूरोक्रेनियम जो है ना इसके बारे में देखेंगे कि न्यूरोक्रेनियम जो है वो किस तरह से है। अब ये टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है अपर और दूसरा होता है इनर। जो अपर है ना ठीक है उसको हम कहते हैं एक्टोस्टील, और जो होता है इनर साइड पे ठीक है उसको हम कहते हैं एंडोस्टील। देखिए अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से है तो ये वाले जो है ये इनर है ठीक है, इसको हम कहते हैं एंडोस्टील। अब ये क्या बना रही है, ये उसका जो है ना फ्लोर बना रही है, और ये जो ऊपर वाली साइड है ठीक है इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है ये एक्टोस्टील है, और ये क्या कर रही है ये उसकी रूफ बना रही है। इस तरह से ये देखें ये इस तरह से होगा ना ठीक है, तो ये वाला जो है आउटर इसको हम एक्टो कहेंगे ठीक है एक्टोस्टील, और ये इनर होगा इसको हम कहेंगे ये क्या है ये एंडोस्टील। नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे इसका सेकंड पार्ट जिसको हम क्या कहेंगे ब्रेंकियोक्रेनियम कहेंगे। ब्रेंकियोक्रेनियम जो है इसमें एक तो जॉज आ जाएंगे ठीक है, जो इस तरह अगर फिश है तो उसके इस तरह से जॉज हैं, अपर लिप हो गया लोअर लिप हो गया या अपर जा लोअर जा, तो वो जितने भी होंगे और जितनी भी वहाँ पे मैंडिबुलर कह लो बोन्स वगैरह होंगी वो सारी क्या आएंगी ब्रेंकियोक्रेनियम में आएंगी। ये पहली चीज़ आ गई, उसके बाद इसके साथ आएगा हाइल। हाइल मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें ऐसे मतलब वहाँ पे स्ट्रैंड्स होंगी, ऐसी आर्चेस होंगी जो क्या करेंगी जो हेल्पफुल होंगी और इन जॉस को सपोर्ट करेंगी ठीक है, इनके मूवमेंट में जो है ना वो सपोर्ट करेंगी। इनका मुंह जो है ना अगर इस तरह से बंद है ठीक है, तो उसको यूँ ओपन करने में बंद करने में जितनी भी चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं, ये इनर साइड पर जितनी बोन्स हैं या जितने भी टेंडेंट्स हैं या जिस तरह से भी आप कह लो कार्टिलेजनेस जितने भी केसेस हैं वो सारे इनकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो सारा क्या है वो सारे काम कहते हैं ये क्या है ये है ना। एंड उसके बाद आएंगी इसके पास ब्रेंकियल, ब्रेंकियल मतलब ये कि इसके साथ कुछ आर्चेस हो। नेक्स्ट है वो डिस्कस करेंगे इसका सेकंड पार्ट जिसको हम क्या कहेंगे ब्रेंकियोक्रेनियम कहेंगे। ब्रेंकियोक्रेनियम जो है इसमें एक तो जॉज आ जाएंगे ठीक है, जो इस तरह अगर फिश है तो उसकी इस तरह से जॉज हैं, अपर लिप हो गया लोअर लिप हो गया या अपर जा लोअर जा, तो वो जितने भी होंगे और जितनी भी वहाँ पे मैंडिबुलर आप ये कह लो बोन्स वगैरह होंगी वो सारी क्या आएंगी ब्रेंकियोक्रेनियम में आएंगी। ये पहली चीज़ आ गई, उसके बाद इसके साथ आएगा हाइल। हाइल मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें ऐसे मतलब वहाँ पे स्ट्रैंड्स होंगी, ऐसी आर्चेस होंगी जो क्या करेंगी जो हेल्पफुल होंगी और इन जॉस को सपोर्ट कर रही होंगी ठीक है, इनके मूवमेंट में जो है ना वो सपोर्ट करेंगी। इनका मुंह जो है ना अगर इस तरह से बंद है ठीक है, तो उसको यूँ ओपन करने में बंद करने में जितनी भी चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं, ये इनर साइड पे जितनी बोन्स हैं या जितने भी टेंडेंट्स हैं या जिस तरह से भी आप कह लो कार्टिलेजनेस जितने भी केसेस हैं वो सारे इनकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो सारा क्या है वो सारे काम कहते हैं ये क्या है ये है। एंड उसके बाद आएंगी इसके पास ब्रेन
ब्रैंकियल, ब्रैंकियल मतलब ये कि इसके साथ कुछ आर्चेस होते हैं। तो जो गिल आर्चेस होती हैं ये इस तरह से, देखें अगर ये हम इसकी एक ड्रा करें ना, उसकी बॉडी ये ट्रंक को ड्रा करते हैं, तो यहाँ पे ना ऐसी गिल आर्चेस होती हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये जो गिल आर्चेस होंगी ना इधर, ठीक है, तो उसको ये पूरे का पूरा जो है ना कंट्रोल कर रही होती है। और ये क्या होगा, ये भी अगर स्कल के अंदर आ रही हैं, जैसे कि हमने उधर पढ़ी थी कि पहली पोस्ट शार्क के अंदर अंदर आ रही थी, स्कल में आ रही थी, इस वजह से हम उनको डिस्कस किया था। तो बिल्कुल सेम होगा कि ये होती तो काफ़ी सारी हैं लेकिन कुछ इसके अंडर आ रही होंगी, तो उनको भी साथ में जो है ना वो पढ़ेंगे। तो ये जो है ब्रैंकियल में ये गिल आर्चेस वाला पोर्शन जो है ना, ये वो हम डिस्कस करेंगे इनकी बैकबोन को, कि बैकबोन जो है वो किस तरह से होती है। तो बैकबोन जो है जितनी भी ये जो बैकबोन होती है इस तरह से, ठीक है, ये हम कहते हैं सबसे बड़ी सपोर्ट होती है पूरी बॉडी की। और ये छोटी छोटी वर्टीब्रेज जो होती हैं ना उनसे मिलके बनी होती है, और उसके आगे क्या होती हैं यूँ इस तरह से जो है ना वो रिब्स होती हैं। तो अब क्या है कि अगर हम देखते हैं फिश की बैकबोन, तो उसमें भी क्या होंगी, बहुत सारी वर्टीब्रेज जो है ना ये प्रेजेंट होंगी, जो कि उसके हम ये कह सकते हैं उसके हेड है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसकी हेड से ले कर ना उसकी टेल तक, ठीक है, वो वहाँ तक एक्सटेंड की हुई होंगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना ये उनकी बैकबोन। अब बैकबोन जो है, अब उसके अंदर कुछ वर्टीब्रेज जो हैं उनकी हम स्पेसिफिक जो है ना क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, कि कुछ इंटीरियर होती हैं, इंटीरियर मतलब इस साइड पे, ठीक है, वहाँ पे एक आ जाएगी एटलस आ जाएगी और एक एक्सिस आ जाएगी। अब इनका जो बेसिक काम होता है ना, ये ज्वाइनिंग के काम कर रही होती हैं, ठीक है, इन्होंने आगे हेड के साथ जो है ना वो ज्वाइन करना होता है, ठीक है। अब ये समझ लें ये एक्सल है ये एटलस, ठीक है, इस तरह। तो इस तरह से ये हेड के साथ जो है ना वो ज्वाइन की हुई होंगी, और बाकी जो है ये पूरी ट्रंक जो है उसको उन्होंने किया होगा। और उसके बाद जो लास्ट में जो है ना ये वर्टीब्री होगी, मतलब कुछ वर्टीब्री जो है ना लास्ट वाली, ठीक है, उनसे ऐसे ना कुछ रेज वगैरह निकल रही होंगी, वही जो है उसकी टेल में इन्वॉल्व हुई होंगी, और जो उसके हम कहते हैं ना कोडल फिन और इन सब को जो है ना बना रही होंगी। तो अभी हम ये देखेंगे कि जो बाकी हैं, पहले हमने ये देख लिया एटलस एंड हमने देखिए एक्सिस, ये दोनों हो गए। उसके बाद क्या होती है कि जो पूरी बाकी जो होंगी वो उसकी पूरी ट्रंक की जो लेंथ है ना, ठीक है, उसमें फैली हुई होंगी, और उसके बाद जो आखिर में बच जाएंगी, ठीक है, वो रेस बनाएंगी और वो उसकी क्या जो कोडल फिन होता है उसके अंदर जो है ना वो इन्वॉल्व हुई होंगी। तो ये बेसिकली जो है ना हम कहते हैं कि एक फिश है उसकी इस तरह से जो है ना बैक। तो अभी जो है मैं आपको दिखाऊंगी डिफरेंट वर्टीब्रेज जो है ना उनके बारे में, कि डिफरेंट वर्टीब्रेज किस तरह से होती हैं। तो ये वाली वर्टीब्रेज मुश्किल है, आपने कभी देखी हो, मे भी आपने ये भी ना देखी हो, लेकिन ये वाली तो जो जो लोग फिश खाते हैं उन्होंने ये लाजमी देखी होगी, इस वजह से हम इस वाली को जो है ना, ठीक है, ए वाली को इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप में से मोस्टली जो है ना लोगों ने इस वर्टीब्रे को देखा होगा। तो हम आज इस वर्टीब्रे के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि ये अब एक वर्टीब्रे है, ठीक है, जब इस तरह की बहुत सारी मिलती है ना तो फिर क्या बनती है हमारे पास, फिर बनती है एक बैकबोन बन जाती है। अब इसके हम कुछ पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो ये जड़ी जो साइड पे होती हैं ये इस तरह से, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये प्लूरल रिब्स है, ये इसकी रिब्स हैं, ठीक है, ये दोनों। अब हमें एक वर्टीब्रा की बात कर रहे हैं, तो अब एक वर्टीब्रा से ये देखें दो रिब्स निकल रही हैं पैर में, एंड उसके बाद देन ये जो है ये है उसका सेंट्रम, इसको सेंट्रम बोलते हैं। ये जो है ये ट्रांसफर प्रोसेसेस है, एंड ये जो है इसको हम न्यूट्रल किनाल कहते हैं, और न्यूट्रल किनाल के आउटर साइड पे जो है ना वो न्यूरल आर्चेस होती है, और ये जो लंबी सी है इसको हम न्यूरल स्पाइन कहते हैं, ठीक है। ये जो है ना सारे सेंसेस के लिए होते हैं, ये वाटर जो है ना वाटर का करंट जो है उसको सेंस कर लेते हैं, वाटर का करंट किस तरह जा रहा है, न्यूरल मूव किस तरह कर रहा है। अगर देखें तो हम क्या लेते हैं, जब हम फिश लेते हैं तो हमें कट करके उसका पीस जो है ना इस तरह से होता है, इस तरह से,
एंड समटाइम कुछ लोग क्या करते हैं, इसको दरमियान में से कट करके ना, मतलब कोई भी इसके ऊपर जो भी उन्हें मसाले वगैरह लगाने होते हैं लगाने के बाद इसको फ्राई कर देते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे ही एज इट जाना मुझे करते हैं, तो ये बिल्कुल इसी तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना ये सारा ऐसे क्या लगा होता है, मीट लगा होता है ये इस तरह से। एंड देखिए अब ये है ना, तो इसके साथ भी कुछ स्पाइंस होते हैं, इसके साथ भी स्पाइंस होते हैं, और वही स्पाइंस जो है ना वो हम कहते हैं ना कि मीट में कांटे हैं। ठीक है, तो इसको आराम से खाना है फिश को ये वो, तो क्योंकि ये देखिए ये इसके साथ ना यूँ इस तरह लगे होते हैं कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से जब हम इस पीस को खा रहे होते हैं ना मीट को, तो इसमें हमें बहुत सारे कांटे मिल रहे होते हैं। होप वेल के आपको जो है ना वो इसकी समझ आ गई होगी, जिसने फिश खाई है तो उसको तो बहुत ईजीली समझ आ गई होगी और ये पता लग गया होगा कि ये किस तरह से रिब्स आ रही होती हैं, किस तरह से रिब्स होती है। एंड अभी हम जो है ना चीज़ों की डिस्कस करेंगे स्पाइंस को, कि स्पाइंस क्या है। देखिए स्पाइंस जो है ना हम इस तरह के कांटे कह सकते हैं, वो कांटे थोड़े से ऐसे ना यूँ लंबे होते हैं। एंड अब दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती हैं स्पाइंस, दूसरी होती हैं रेस। तो अब देखिए स्पाइंस की ही हम कहते हैं कि टाइप्स हैं, कुछ सॉफ्ट आ जाते हैं कुछ हार्ड आ जाते हैं, कुछ फ्लेक्सिबल होते हैं कुछ इनफ्लेक्सिबल होते हैं। तो अभी यहाँ पे जो है ना हम डिस्कस करेंगे, अब ये जो स्पाइंस हैं ये होते पहले कहाँ पे हैं, ठीक है, इनकी लोकेशन क्या होती है। इनकी लोकेशन ये देखें कि अगर आ जाता है कौडल फिन, ठीक है, यूँ इस तरह से, उसके अंदर क्या होगा, यूँ इस तरह से ना वो स्पाइंस होंगे। ठीक है, जब हम उनके इन फिन्स को हैंड लगाते हैं ये देखते हैं, तो ये हमें स्पाइन वाजह नज़र आ रहे होते हैं कुछ फिशेस के अंदर। तो ये क्या है, इनके अंदर ये जो रेस नज़र आ रही है ना ये। एंड अभी हम देखेंगे कि स्पाइंस का यूज़ क्या होता है, स्पाइंस किस चीज़ के लिए काम आते हैं, वो डिफेंस के लिए काम आते हैं सबसे पहली चीज़। दूसरा ये है कि जब उन्होंने क्रीप्स के अंदर जाना होता है ना, तो उसमें उनकी हेल्प करते हैं। देखिए अब क्रीप्स क्या होते हैं, कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से वहाँ पे ना एक चट्टान है, तो उसके अंदर क्या होंगी, दराड़े पड़ी होंगी। ठीक है, उनको हम कहते हैं क्रीप्स। तो अगर कोई फिश उनके अंदर छुपना चाहती है या उनके अंदर जाना चाहती है या अपने प्रे को फाइंड करना चाहती है या प्रीडेटर से बचना चाहती है, तो वो इसके अंदर इन स्पाइन की मदद से ईजिली जाएगी और वहाँ पर ईजिली